अस्सलाम वालेकुम, मुझे आज का व्लॉग लिफ्ट में ही स्टार्ट करने का दिल कर गया। अभी से मैं यूनिवर्सिटी से निकल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में सारी क्लासेस वगैरह कम्प्लीट हो गई है मेरी। किधर चलते हैं खाने पीने? तो ये था कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है वो सब बताएँ। आज के व्लॉग में मैं ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा कर सकूं, तो देखते हैं आज का व्लॉग कैसा जाता है। अभी ये इधर हम एक स्टॉल पे आ गए हैं, तो यूनिवर्सिटी के बाहर ही ना हमारी किसी मुसलमान बहनों ने ना इधर स्टॉल लगाया हुआ, तो आपको इसकी ज़रा वीडियो दिखा देते हैं। अगर मेलबर्न में कोई मौजूद है तो आप ज़रा इनकी हेल्प कर सकते हैं। अभी तो स्टॉल लगाया, आई थिंक स्टॉल वगैरह वाले सिस्टम अवेंड कर, लोकेशन चेंज होती जाती है इनकी, आई थिंक सो। वैसे ही देख लिया, फिर कुछ कर नहीं सके, देखा देता हूँ स्टॉल में, ज़रा देखता हूँ इनमें प्राइसेस वगैरह क्या है। वैसे मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है, क्या पता लाओ ना करें, देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो जैसे मैंने लोकेशन खोली तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जिस जगह पे मैंने जाना है वो जगह तो अभी बंद है। फिर मैंने सोचा नहीं जाते, फिर मैंने सोचा चले जाते हैं वेट करके, फिर मैंने सोचा नहीं जाते, फिर ऐसे सोच चलती रही। तो अचानक मुझे याद आया कि मेरा तो लेक्चर चल रहा है, तो जब तक लेक्चर चलता है मैं इधर सिटी में जाता हूँ, वेट करता हूँ, और उतनी देर तक वो दुकान ओपन हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर टाइम ही है जितनी देर में वो दुकान खुल जानी है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैंने जाना, तो आज मैं जाऊँगा क्लास में। मेलबर्न सिटी में कुछ एरियाज में ट्रैम फ्री है। ए, क्या देखने को मिल गया यार, ये देखें लोगों को फ्लैश मारने वाला कैमरा आज यहाँ पे रोड पे खुला हुआ मिल गया। चेक करें इसके अंदर क्या है, वो शायद ना नज़र आ सके, इतना अच्छा पावर कैमरा देख नहीं पा रहा थोड़ा सा। ये देखें भाई, लैपटॉप पे इधर कैमरे की कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, कैमरे के अंदर कोई मसला आया होगा, कैमरा खोल के लगे में। ये कैमरा फ्लैश मारता है तो आपके घर पर चलान आता है, आपको पे करना पड़ता है। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि ये कैमरा रिपेयर हो रहा था, फ्लैश नहीं मार सकता, उसके लिए ये दूसरा कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा या फ्लैश है मुझे नहीं पता, आई थिंक कैमरा वो है, ये फ्लैश है बस ये। हाँ ये देखें लाइट लगी है, ये सिर्फ फ्लैश है, वो कैमरा अभी बंद है। ये देखें फ्री ट्रैम जोन, ये कार्ड निकाल के लगा दिया। अभी ये ओरेंज सीट्स पे हम नहीं बैठ सकते, ये प्राइवेट सीट्स हैं। ये देखें इधर सिर्फ ऐसे लोग बैठ सकते हैं, हम सिर्फ ग्रीन सीट पर बैठ सकते हैं। यार इनकी गंदी मशीन की वजह से ना मैंने कार्ड लगाया, कार्ड ही नहीं लगा, उसकी वजह से स्टेशन आगे आगे मुझे उतरना पड़ेगा। अब चल के जा, क्लास का टाइम और उसकी ओपन होने का टाइम बिल्कुल सेम सेम मैच करता है। जब क्लास नहीं आता मैंने उसने ओपन हो जाना, हम आज़ादी के साथ फुल मज़े से खाना खाएँगे, उसके बाद वापस हम फिर घर जाएँ। बैठा हूँ, टीचर की आवाज़ तक नहीं आ रही, टीचर का माइक खराब है, कोई मसला है, उस वजह से मेरा क्लास का एक लफ्ज़ भी सुनाई दिया, एक लफ्ज़ भी टीचर की आवाज़ नहीं आई। मैं सबसे आई थिंक सेकंड दूसरा स्टूडेंट था जिसने क्लास ज्वाइन की, जब तक कोई आवाज़ नहीं आ रही उसको छोड़ते हैं। अभी अब मैं बैठा हुआ इधर सामने लुकोमेट्स के, अब लुकोमेट्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ आई डोंट नो, लेकिन लुकोमेट्स जो होते हैं समझ लें कि। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सेम जायका उनका ना, वो डोनट वाली जो बेस है ना उसके साथ बने हुए छोटे छोटे पीसी का, तो वो डोनट की तरह ही मीठे होते हैं, उनका बेस वगैरह जो है वो उसके ऊपर आगे से नुटेला वगैरह कोई चॉकलेट वगैरह डिफरेंट जो चीजें है ना कह सकते हैं कि हॉट सॉसेज जो है स्वीट सॉसेज वो होती गर्म ही है, तो वो डाल देते हैं ऊपर, तो वो फिर खाते हैं हम बाद में उठा उठा के। अभी आपको दिखाऊंगा, आपको पता भी चल जाएगा मैं क्या कह रहा था। अभी तो हमारे पास कोई घंटे का वेट पर है इधर, जिसके बाद ये रेस्टोरेंट खुलना, क्या बता उससे पहले खुल जाए, आज मेरी किस्मत अच्छी हो। हाँ
काफ़ी वेट के बाद भी हमारे टीचर ने नहीं बोला, तो अब सारी क्लास लेफ्ट कर चुकी है, तो मैं क्लास लेफ्ट करके इधर बैठा हूँ। तो रेस्टोरेंट में मैं गया था अंदर, तो कैमरा डांस क्यों कर रहा, खराब तो नहीं हो गया, चलो कोई नहीं, जो भी है देख लेते हैं। रेस्टोरेंट के इस मतलब इसके अंदर गया था मैं रेस्टोरेंट के, तो कहते तो हैं कि 12 बजे खुलना है, लेकिन अभी 12 नहीं बजे, 10 मिनट बाकी हैं, तो बस ये कहते हैं मैं अंदर गया 12 बजे खुलना, तो 12 बजे आना, ऐसे कोई सिस्टम वगैरह सही ना होगा, सिस्टम ही 12 बजे ओपन होता होगा। अभी मैं रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, अभी मैंने ऑर्डर दे दिया, ये देखें ये डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं इधर इसके, ये 1 पीस बना हुआ है, मतलब एक बॉक्स में 10 रोल्स, पता हाफ ट्रे भी ला सकता है, मतलब हाफ ट्रे है 8.50 का। ये देखें मैंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने मुझे ये दे दिया, जब ये बस करेगा तो मतलब मेरा ऑर्डर रेडी है। नंबर 1 रेस्टोरेंट ओपन होते साथ ही सबसे पहला ऑर्डर मैंने किया। रेस्टोरेंट इधर मशीन्स पर ही हैं अभी, उधर वो बना रही हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैंने पूछा था उनसे, वैसे मैंने भी रिकॉर्ड करने का बताया नहीं था, मैं तो बस ये रेस्टोरेंट की कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करते थे। अभी तो मुझे हाँ ये हाफ एंड हाफ की प्राइस लिखी है इतनी, मतलब आप दो फ्लेवर्स कर सकते हैं, 2 फ्लेवर्स 1 बॉक्स। तो मैंने कौन सा कराया मुझे याद नहीं आ रहा, पिस्ताशियो और लोटस कराया मैंने, मेरे फेवरेट। अब वाइट टेल मतलब जो है वाइट चॉकलेट होती है, टेला मतलब चॉकलेट सादी, ये सोल्ड आउट लिखा हुआ है, स्निकर्स आ गई, आगे ओरियो बॉल्स आ गई, जैम जैम सिंपल जैम जो होता है वो ओरिजिनल से मुझे नहीं पता क्या, ये मैंने खाया, ये भी बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। पीनट बटर नहीं खाया, बस ये 3 फ्लेवर्स ही। अब पहले सिर्फ ये ट्राई किया हुआ, उसके अलावा और बड़ी मज़े का था, जिसे हम नया ट्राई करने आए हैं। एक का ये वीगन्स वी वाले वीगन्स हैं, और बाकी सारे वैसे ही वेजिटेरियंस हैं, उसमें मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो सही है वो भी ठीक है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक ही करते तो वो फिर वीगन लेते हैं। मैं चाय हॉट चिप्स चाय सारे इधर फ्लेवर्स पर हैं, ये ऊपर जो ड्राई प्रोडक्ट्स हैं भी डालते हैं, पिस्ताशियो वगैरह, मुझे हॉट सॉसेज हैं, मुझे चॉकलेट भी सेल होती है, कॉफ़ी वगैरह, इधर लहना बॉक्स बना, मैं इधर बना रही हैं, तो जब बना के एंड हो शायद मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। अभी वेट करते हैं हम अपने खाने का, दबाई टेबल पे आ गए, ये बस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा खाना रेडी है। रेडी होने का टाइम आ गया, मैं बहुत मज़े किया, चलिए आपको घर जाके मिलते हैं, लाइब्रेरी भी जाना है आज। अस्सलाम वालेकुम, लिक्विडमेट तो बड़े मज़े के थे, मैंने खा लिए, लेकिन मज़े के तब तक किए थे जब तक के लिक्विडमेट्स आए थे, लेकिन जब सॉस आई है इतनी कोई मीठी थी, बहुत मीठी थी, तो बड़ी मज़े की थी, लेकिन लिक्विडमेट्स के बगैर नहीं खाई जा सकती वो सॉस, बहुत ही ज़्यादा मीठी है, वो ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो अभी मैं इधर ट्रैम पे खड़ा हूँ, इधर से मैं ट्रैम पकड़ूँगा, ट्रैम पकड़ के ट्रेन से फिर घर चला जाऊँगा। वैसे तो मैंने आगे लाइब्रेरी जाना है, आपको वो भी दिखाऊँगा, लाइब्रेरी में कोई काम वगैरह मुझे, और कुछ स्टडीज़ भी करनी है, अगर लाइब्रेरी गया तो दिखा दूँगा। मैं लाइब्रेरी पहुंच गया हूँ, ये घर के करीब वाली लाइब्रेरी है, अभी तक की एंडिंग है, अभी से अल्लाह हाफिज़ करता हूँ कि फिर कभी मुलाकात होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करना है।